मोदी सरकार को रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने गुरुवार को एक बार फिर आर्थिक मोर्चे पर झटका देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। बता दें कि इससे पहले एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5.8% लगाया था, जिसे अब 0.02% घटाकर 5.6% कर दिया गया है। मूडीज ने कहा कि हम भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 5.6% कर रहे हैं। 2018 के दौरान एजेंसी ने 7.4% विकास दर का अनुमान लगाया था। मूडीज का कहना है कि हमारा अनुमान है कि 2020 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.6% और 2021 के दौरान 6.7% रहेगी। बता दें कि भारत में आर्थिक गतिविधियों में 2018 के मध्य महीने से ही गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में जीडीपी ग्रोथ 8% से गिरकर दूसरी तिमाही में 5% पर आ गई है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी ने भी विकास दर को प्रभावित किया है। मांग में हो रही कमी से कारखानों में उत्पादन में कमी आई है, जिसके चलते कई सेक्टर्स में सुस्ती का माहौल है। मूडीज ने विदेशी मुद्रा रेटिंग Baa2 को बरकरार रखते हुए मार्च 2020 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के मुकाबले 3.7% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि सरकार को अनुमान है कि राजकोषीय घाटा 3.3% रह सकता है। बताया जा रहा है कि विकास दर में सुस्ती और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से राजस्व घटने से राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार को झटका लग सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।